क्या कहेंगे आपके फिल्म रिलीज पे है, तो पहले अपना नाम बता दें और क्या तैयारियां चल रही हैं। जी, सभी भोजपुरी दर्शकों को आपके इस अरविंद आनंद का प्रणाम है, नमस्कार है, छोटों को प्यार है, दुलार है। हमारी बहुत प्रतीक्षित और बहुत चर्चित फिल्म जो आपके जुबान पे जम चुकी है, वो आगामी मात्र 3 दिन, मतलब तीसरे दिन रिलीजिंग पे है, 25 मई को बिहार, झारखंड और नेपाल के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी और उसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। और मैं कल बिहार के लिए, मैं सुबह की फ्लाइट से बिहार जा भी रहा हूँ और वहाँ के दर्शकों के बीच में उनसे रूबरू होऊंगा। और हमारा ये प्रयास है कि जो दुल्हन गंगा पार की जो फिल्म बनी है, ये फिल्म आई थी दुल्हा गंगा पार के 1986 में बनी थी, 32 साल के बाद ये फिल्म, मतलब दुल्हा और दुल्हन के बीच का 32 साल का जो गैपिंग है फिल्म भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, उस गैपिंग के बाद जो ये फिल्म बनी है। और हमने इस जमाने के हिसाब से फिल्म को थोड़ा बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भोजपुरिया अंदाज, ये भोजपुरी संस्कृति और जो भावनात्मक असर पे जानी जाती है, वो सारी बातें इस फिल्म के कथानक में पिरोई गई है। और निर्देशन का बतौर निर्देशक असलम शेख जी ने इस फिल्म को बखूबी सजाया है और इमोशंस को तो बादशाह भी अगर उन्हें कहा जाए तो कम नहीं। अरविंद जी, देखो 2-3 बार आपका डेट टल चुका फीचर का रिलीज को लेकर, 25 तारीख को फिल्म कहाँ कहाँ पे रिलीज होगा बताएं जी। डेट टलने वाली बात जो है 11 के बाद 18 हुई, 25 तारीख हुई, तो 25 तारीख को मतलब अभी पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है, क्योंकि तलने वाले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकनीकी कारण मतलब हुई, लेकिन अभी जो हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं 25 मई को बिहार और झारखंड और नेपाल के सभी सिनेमाघरों में जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रही है और दर्शक काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारी फिल्म को। फिल्म को काफी समय लग गया मतलब बनाने में, तो आपको कितनी अड़चने, कितनी मुश्किलें, कितनी तकलीफें बताएं। आपने जो सवाल मतलब हमारे मुंह की छीनी, तो ये जो फिल्म मेकिंग में जो हमारा लगभग 2 साल के आसपास, क्योंकि हमने अगस्त सितंबर में इस फिल्म की शुरुआत की थी, तो निश्चित है कि लगभग 2 साल का जो एक लम्हा जो हमने जिया है और खासकर इस फिल्म के लिए काफ़ी समय भी दिया है, बहुत तरह के उतार चढ़ाव की परिस्थितियों से हमने आपको गुजारा है, तो उसका हमें मलाल नहीं है क्योंकि हमने फिल्म अच्छी बनाई है। और फिल्म में जो कहा जाता है कि जब इंसान मतलब रास्ते पर उतर जाता है अगर मंजिल के लिए, तो उस मंजिल के लिए कहीं ना कहीं रास्तों को में जो मतलब चाहे गड्ढे हो, कांटे हो, पत्थर हो, वो नहीं देखता, उसी अंदाज में मैंने ये फिल्म बनाई है। फिल्म बहुत अच्छी बनी है। और हम नहीं के लिए तो नहीं, ये परिस्थितियाँ देखिए, सच्चाई पूछे ना तो ये जो जिंदगी का पल है या ये जो समय है, समय हर आदमी के मतलब समय तो एक ही है, समय का पल एक ही है, सुई की घड़ी, सॉरी घड़ी में अरविंद जी, दिनेश सॉरी खेसारी का लिया तो हम क्या कहना चाहेंगे, कैसे इंसान है और आपके साथ कैसा? देखिए खेसारी जी, सबसे बड़ी बात है खेसारी जी के बारे में एक ही चीज़ बताऊंगा कि जीरो से हीरो बनते उस शख्सियत को, उस भाई को मैंने देखा है, क्योंकि सराउंडिंग्स लेवल हमारे गाँव का लगभग 6-7 किलोमीटर के दूर, मैंने हमारे गाँव जवार के हैं और उनको मैंने बहुत मतलब जमीन से भी नीचे के तौर पे देखा है
और आज इस ऊंचाई पर देख रहा हूँ तो निश्चित है। साथ में काजल राघवानी है उनके और खेसारी की पुत्री में, कैसा काम रहा? काजल राघवानी एक गुजरात की अभिनेत्री होते हुए भी भोजपुरी में इतनी अच्छी काम कर रहे, तो उनका उनकी अभिनय जो प्रतिभा है उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही विलक्षण रूप से वो प्रतिभाएं नजर आती हैं। तो आपने आपने हीरो के साथ काम किया है कि ऐसे भाई के साथ काम किया? खेसारी लाल यादव को आज जैसे सुपरस्टार कहा जाता है, तो आज बहुत दिनों के बाद आपकी फिल्म में मतलब स्टार बनने के बाद आए हैं, तो आज आपने किसके साथ काम किया? जैसे आपने कहा कि जीरो से हीरो हमने देखा है उनको बनते हुए। जी सच पूछिए तो अगर बिजनेस बतौर बिजनेस पर कहीं ना कहीं सुपरस्टार के साथ काम हमने किया है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं अपने भाई के साथ किया है, जिस भाई को मैंने अपने मेहनत के बल पे यहाँ तक देखा है। आज महसूस हो रहा है कि आज मेरा भाई। और खेसारी काजल का और कौन कौन से कलाकार इसमें, सबका नाम बताएंगे? खेसारी लाल यादव काजल की जोड़ी तो लगभग सबके जुबान पे है। इसके अलावा उदयेश मिश्रा जी की जो खलनायक पक्ष से जोड़ी है, और प्रकाश जैस, के गोस्वामी, मनोज टाइगर जी के बीच में स्वीटी सिंह राजपूत की एक मतलब हास्य तौर पे एक जोड़ी है जो काफ़ी लोगों को पब्लिक को हंसाते नजर आएगी। इसके अलावा दीपक सिन्हा जी, शकीला माजिद, देव सिंह, सामर्थ चतुर्वेदी, महेश आचार्य जी, और त्रिशा खान, आयुषी तिवारी, अंजलि सिंह सहित और भी सारे कलाकार हमारे इस फिल्म को। फिल्म का कुछ कहानी का कॉन्सेप्ट कुछ थोड़ा सा अगर मेंशन कर दें कि क्या है कहानी, दर्शक बेताब है 25 साल को देखने। फिल्म की कहानी मैं जैसा कि लगभग हर इंटरव्यू में मैं चर्चा करता हूँ, इस फिल्म में मतलब कहानी के तौर पर देखा जाए तो एक ये एक ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर मतलब बुनी गई कहानी है जिसमें रिश्तों को महत्व दिया गया है। आपसी रिश्तों में कहने का मतलब है कि रिश्तों का मतलब जैसे देखा जाए पति पत्नी का रिश्ता, पति पत्नी के रिश्ते के लिए मतलब लोग शादी ब्याह आपस में जो एक जुड़ाव होता है उस सारी प्रक्रिया से जुड़ती है, लेकिन हमारी कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट कथानकों में से बुनी गई है। एक बच्ची इस फिल्म में सेंट्रल रूप में अपना इस कहानी का ताना बाना बुनती है, उसी के ऊपर एक कहानी मतलब डिपेंड है, और एक छोटी सी बच्ची को कैसे हम लोग खुश करेंगे। नहीं कि एक बच्ची को लिया जाए तो उस बच्ची के रूप में आप देखा जाए तो उस वो बच्ची कहीं ना कहीं किसी की बेटी, किसी के बाद में बहू, उसके बाद किसी की माँ, किसी की दादी, किसी की बुआ। आप देखिए एक छोटी सी बच्ची को लिया जाए तो कितने सारे रिश्ते उससे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस सारी बातें हमारी। अरविंद जी जाते हैं तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जी जाते जाते मैं ये कहूँगा कि जितना रिक्वेस्ट और आग्रह मैंने किया है इस फिल्म को देखने के लिए, आप अगर फिल्म एक बार ज़रूर देखें, अगर अच्छा लगे तो आप अपने परिवार को भी दिखाएं, क्योंकि आज भोजपुरी फिल्मों से परिवार कट गया है और परिवार के लिए हमने फिल्म बनाई है, और मसाले मतलब फिल्म में मसाले होने चाहिए, और ये मसाला मतलब कहीं ना कहीं हमारी फिल्मों में है। गाने बहुत अच्छे हैं और आपको मतलब सभी सभी पैकेज हमारे मतलब कंप्लीट पैकेज है हमारी फिल्म दुल्हन गंगा पार के। थैंक यू सर। आप 25 मई को जरूर अपने परिवार के साथ देखें, ये मेरा आग्रह है, ये मेरा प्रणाम है, नमस्कार।